बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, सब कुछ बाहर आ रहे हैं. तो एज बिकॉज आराध्या सारी जो भी उनके बीच में सारे जो भी लड़ाइयाँ हुई थी सब कुछ के वो प्यार में बस पढ़ने वाली है, और उस वक्त उनके सामने एक ऐसे गहरा राज आ जाता है कि वो बेचारी पूरी टूट जाती है. हाँ, शमशेर का कुछ ऐसा पास्ट है जो इस सीन में हम ऑडियंस को दिखाने वाले हैं. वो मेन सस्पेंस है कि वो पास्ट ऐसा क्या होगा. ऑब्वियसली ऑडियंस कैन काइंड ऑफ गेस इट, बट या वही हम कर रहे हैं. लेटर का माजरा यही है कि शायद बहुत सारे ऐसे लेटर्स लिखे थे शमशेर ने उस किसी के लिए, उस शख्सियत के लिए, लेकिन वो लेटर शायद उन तक पहुंच नहीं पाया और वो लेटर मेरे हाथ लग जाता है. शायद ऐसा कुछ होगा. तो वो लेटर्स में बहुत ज़्यादा प्यार उभर रहा था, यही राज है. अभी आगे जितना मुझे आराध्या के कैरेक्टर के बारे में पता है, वो सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ राज है या कुछ प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट से हट जाएगी. वो प्रेजेंट में कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहेगी. और अगर वो पास्ट था और उसका इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं होगा प्रेजेंट में, तो शायद वो चीज़ों को समझेगी और अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करेगी और शमशेर को भी समझाने की कोशिश करेगी. अभी तो एक्चुअली आदत सी हो गई है. मैं बाकी टाइम तब तो बहुत मुश्किल होता था. मैं रोने वाला सीन बिल्कुल नहीं कर पाती थी, क्योंकि हंसना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट व्हाट आई फील. क्योंकि मैं दिन भर मैं शायद जब तक मैं सोती हूँ वो टाइम छोड़ के बाकी सारा टाइम ही मुझे हंसना बहुत पसंद है. मैं हंसती रहती हूँ, बेवजह भी हंसती रहती हूँ, कोई बिना कारण. लेकिन रोना इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट, पर अभी आदत हो गई है, आ जाता है. वही रियल लाइफ में की बात करें कि मैं दिन भर रियल लाइफ में वो एक्चुअली बहुत समझदार है. ऑब्वियसली खुश रहना हर कोई पसंद करता है, तो वो भी खुश रहना चाहती है. लेकिन वो बहुत बैलेंस्ड और मच्योर्ड है. वेलकम. ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो देखते रहिए और हमें वैसे ही प्यार देते रहिए जैसे आप पहले दे रहे थे. और दूसरी बात, आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं. स्टोरी अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है. और जो आप लोग देखना है सबसे बढ़कर, दैट इज़ रोमांटिक ट्रैक एंड रोमांस. अब तो मतलब ऐसे एकदम लाला वाला शाहरुख काजल वाला रोमांस शुरू होने वाला है, हो भी रहा है. ऑलरेडी बीज बो दिया हम लोगों ने. Keep on.